अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज उन भाइयों का जवाब मिलने वाला है जो अक्सर मुझे बोलते थे, भाई जितनी भी वीडियोस आपने 30 वाट की लगाई ये सारे नॉन ब्रांड है, यानी इनका नाम हमने पहले कभी सुना नहीं। तो आज ऐसा पंखा लेके आ चुका हूँ, इसका नाम शायद किसी भाई ने ना सुना हो। सुपर एशिया का 30 वाट पंखा आज मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा उन भाइयों का भी जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा जो मुझे बोलते थे कि भाई ऐसा पंखा दिखाएं जिसकी प्राइस सबसे कम हो और परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। तो उम्मीद करता हूँ जितना बड़ा ये नाम है, इनके पास मशीनरी भी जदीद तरीन लगी हुई, इनकी ये मैंने जो फैक्ट्री है वो विजिट की हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये पंखा बहुत अच्छा होने वाला है। बहरहाल फिर भी आपने पूरी वीडियो देखनी है, मैं आगे जाके इसके वॉट आरपीएम ये सारी चीजें चेक करवाऊंगा। और शुरू में भी बहुत काम की बातें होती हैं, आप वीडियो पूरी नहीं देखते, बाद में मेरे मुझे व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, भाई इसकी प्राइस क्या है, इसकी वारंटी क्या है, ये सारी चीजें वीडियो में मैंने बताई होती हैं। अभी मैं इसकी वारंटी की बात कर लूं, वारंटी इसकी सबसे ज्यादा होने वाली है। भाई आपने पहले भी वारंटी सुनी होगी, 3 साल सर्किट 5 साल मोटर, तो सेम ये चीज आज लेके आ चुके हैं सुपर एशिया वाले। इनकी भी 3 साल सर्किट वारंटी है, 5 साल मोटर वारंटी है। अभी मैं इनकी सर्किट और इनकी जो मोटर ये सारी चीजें आपको दिखाता हूं, और यहां पे प्राइस की भी बात करते चलें कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। आप सोचे माशाल्लाह कितना बड़ा नाम है, पंखा भी पहले देख लें उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। ये इनका रिमोट है, ठीक है, ऐसा रिमोट शायद आपने पहले भी देखा हो, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो जरूर बताना है कि भाई किस पंखे का साथ ये रिमोट आया था। ये देखें, अभी हम पंखा देख लेते हैं, पंखा कैसा है। अच्छा जी, ये देखें भाई, आप देख सकते हैं कि पंखा आपको कैसा दिख रहा है। बकायदा इनका नाम मेंशन है, ठीक है। मैं अभी आपको सर्किट भी दिखाता हूं, पंखा एक दफा देख लें आप। अच्छा, अभी प्राइस की बात कर लें, इसकी प्राइस जो है ना, कराची के या पूरे पाकिस्तान के लिए इसकी प्राइस नंबर मेरा शो हो रहा है, यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं और यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन भी कर देता हूँ। इसकी प्राइस आपको मिलेगी 9,500 रुपया, सिर्फ 9,500 रुपया। इससे पहले आपने ज्यादा वारंटी वाले पंखों की आपने प्राइस सुनी होगी, अगर नहीं मेरी वीडियोस देखी तो जाके वीडियोस देख लेना। अभी मैं आपको इनका सर्किट दिखा दूं, ये वाला सर्किट इनके साथ आया है। अभी आप करीब से भी पंखा भी देख लें, सर्किट भी देख लें। प्राइस मैंने आपको बता दी है 9,500 रुपया, ठीक है। अगर इससे कम प्राइस आपको कहीं से मिलती है वहीं से परचेज कर लेना, अगर नहीं मिलती या 9,500 भी मिलती है तो भाई का नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, यहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हैंग करता हूँ, हैंग करके इसके वॉट आरपीएम ये सारी चीजें चेक करवाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, फैन मैंने इंस्टॉल कर दिया है, फैन आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बैंड तो इन्होंने बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, बहरहाल फिर भी हम चला के चेक करेंगे कि कितने नंबर पे कितने वाट कितने आरपीएम देता है। चलें सबसे पहले मीटर की तरफ चलते हैं, अभी मैं अपना मीटर ऑन करने लगा हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम लो स्पीड पे ही चलाएंगे, एक नंबर पे, ठीक है, एक नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया, पंखा आप देख सकते हैं चलना शुरू हो गया, ये सबसे लो स्पीड है। आए जी मीटर की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे आरपीएम है, ठीक है, कि यानी कि एक मिनट में ये कितना घूमता है। अच्छा जी, और ये इसके वाट हैं, कितने वाट ले रहा है, ठीक है, ये एम्पेयर हैं और ये हमारे वोल्ट हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट 5 नंबर स्पीड पे, 5 नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है, आए पंखा चलता हुआ देखें आप। माशाल्लाह, ठीक है। असल में कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऐसा पंखा लेना है कि जो ज़्यादा वाइब्रेट ना करता हो और ज़्यादा शोर भी ना करता हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
आए जी मीटर की तरफ। पांच नंबर पे 313 आरपीएम है और 27 वॉट ले रहा है, 28 वॉट ले रहा है। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर है और ये एसी अम्पेयर हैं। ठीक है, और ये वोल्ट हैं। अब चलते हैं 6 नंबर स्पीड पे। ये 6 पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके आरपीएम वॉट बढ़ना शुरू हो गए हैं। आए हैं पंखे की तरफ, ये चलता हुआ भी आप देख लें। अच्छा व्यूअर्स, अगर किसी भाई को ये पंखा समझ आया है, ठीक है, तो ये मेरा कार्ड शोर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम आ गए इधर। आरपीएम इसके आप देख सकते हैं कि अभी 6 नंबर पे 346-347 आरपीएम है, यानी तकरीबन 350 आरपीएम है। 34 वॉट ले रहा है और इसका पावर फैक्टर आप देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं इसके एम्पेयर 0.15। ठीक है, ये याद रखा करें 0.15। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये एक एम्पेयर ले रहा था, इतने एम्पेयर ले रहा था, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट में है। ठीक है, ये हमारे नीचे वोल्ट हैं। अब आ जाएं जी फुल स्पीड पे कितने वाट हैं, कितने आरपीएम हैं। ये थोड़ा रुक के ये आप देख सकते हैं कि इसके आरपीएम 350 के लगभग चले गए हैं। अच्छा जी, अभी मैं फुल स्पीड पे क्लिक करने लगा हूँ। ये मैंने फुल स्पीड पे क्लिक कर दिया। आए पंखे की तरफ, ये अभी फुल स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, पूरा पंखा भी दिखा दूं मैं आपको चलता हुआ। ठीक है, आए जी मीटर की तरफ। अच्छा जी, ये फुल स्पीड पे यानी 7 नंबर स्पीड पे, कुछ लोग दुकानदार इसको टर्बो भी बोलते हैं, कुछ फुल स्पीड पे बोलते हैं। ठीक है, ये 371 आरपीएम है, 370 आरपीएम है। ठीक है, और वाट ले रहा है 39 वाट ले रहा है और इसका पावर फैक्टर देख सकते हैं। फिर आप आगे एसी इसके एम्पेयर देख सकते हैं 0.17। ठीक है, कुछ आपने पंखे देखे होंगे जब 39 वाट पे जाते हैं तो यहाँ पे एम्पेयर जो आ जाते हैं 0.2726, ये एम्पेयर आ जाते हैं। इसके एम्पेयर ज़्यादा नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वोल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको ये पंखा पसंद आया तो दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, ये मेरा कार्ड शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं सबसे कम प्राइस में, डीलर से भी कम रेट में। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो। मिलते हैं किसी और नई मालूमत में वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।